और ये हमारी कैब आ चुकी है शायद, नहीं नहीं ये नहीं है भाई, किसी नहीं, 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 ओ भाई अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मस्त बिल्कुल सामने से, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा जो सामान है वो दोस्त का लेके आने का है, बहुत सारा सामान है तो देखते हैं। अभी हम पैकर्स एंड मूवर्स को तो बता चुके हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बावधान के लिए, कैब आने वाली है सो बावधान निकलते हैं। सो आर यू एक्साइटेड भाई? या नए वाली बिल्डिंग है, नए वाली बिल्डिंग से सब सामान उठा के लेके आएंगे, नहीं तो वही वाले उधर रह लेंगे, आप उधर ही रह लेंगे। अरे भाई नहीं तो वो बिल्डिंग को बेच देंगे, बेच देंगे बेच देंगे ओएलएक्स पे ओएलएक्स पे बिल्डिंग बेच देंगे और सामान तो बीच रास्ते में कहीं गपला के आएंगे और क्या। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मजा आएंगे। बाय द वे गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे सब कुछ बंद है, ये रेस्टोरेंट से लेके जहाँ पे मैं खाता था ये भी बंद है, और प्रचिति जो है वहाँ पे ये चालू रहता है समथिंग 12 बजे तक के, और यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे के 6 बजे से लेके मॉर्निंग के मंडे के मॉर्निंग के 6 बजे तक सब बंद रहता है, लॉकडाउन होता है पुणे में। और बाकी तो जो वीकडेज जो रहते हैं तो उसमें कितने से कितना खुला है, कितना क्या टाइमिंग है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, ना सुबह से 6 से शाम के 6 बजे तक सब खुला है। सो यस अभी जल्दी से अभी फटाफट जाएंगे, अभी बच चुके कितना, अभी कितना टाइम कितना हो गया, 2:30 बजे ढाई बज चुके, अभी आएगी कैब और ये हमारी कैब आ चुकी है शायद, नहीं नहीं ये नहीं है भाई, किसी ओ भाई भाई मेरे को लगा कि वही वाली कैब है, तो देखते हैं अभी यार कैब तो भाई इसमें जाने का क्या, इसमें चले जाते हैं जाएंगे, कबाड़ी वाला है। और भाई पुणे में केसेस बहुत है तो सब लोग मास्क पहनना मत भूलिएगा, सब लोग मास्क पहन लो। और यस अभी चलते जल्दी, अबे यार कैब वाला नहीं आ रहा यार, ऐसा दोस्तों कॉल करते हैं। मैंने अभी अभी भाई को बोला जस्ट अगर चैनल चल गया तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे नीचे कितनी भीड़ रहेगी, जस्ट इमेजिन इमेजिन नहीं कर सकते, और तो कुछ है नहीं जिंदगी में, इमेजिन नहीं कर सकते कब होगा ये, कब होगा, जल्द हो जाए। आई होप गाइस हमारी जो कैब है वो आ चुकी है, अभी बैठते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो गया यार। आपको आपको परेशानी होती क्या भैया ऐसे इसमें क्या बोलते हैं अभी कोविड के पीरियड में, कस्टमर वस्टमर मिलते हैं, कस्टमर नहीं मिलते, बिजनेस हमारा पूरा डाउन है ना। हाँ सबसे परेशानी है हाँ जो रोजी रोटी है, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं हाँ और बच्चों को पढ़ाई है, तीनों को सबसे ज्यादा नुकसान है। वो तो है तुमको मतलब कस्टमर भी कम मिलते हो गए ना कैब में, कस्टमर मतलब बिजनेस ही नहीं होते, मतलब सब लोग का बिजनेस अभी थोड़ा डाउन है, सब डाउन है अभी। फिर से इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुमको क्या लगता है भैया? नहीं नहीं बहुत सारे केसेस ऐसे ही ना, हाँ हाँ हाँ, तो जगह नहीं, बेड नहीं है, लोग मर रहे भी हो, वो तो वैक्सीनेशन की स्पीड भी तो नहीं बढ़ा रहे भाई, लगाना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए, कुछ कंडीशंस रखना भी चाहिए ना भाई, जो मजदूर लोग हैं या फिर जो लेबर यूनियन जो है, इतना लोग घूम रहे हैं अभी, मतलब बेड नहीं है, परेशान भी सब, बहुत लोग मर भी गए, तो वो भी है यार एक, ये भी परेशानी है बंटी, तो मरने से अच्छा ब्रेक होगा अच्छा है क्या, मरना अच्छा है ब्रेक हो वही अच्छा, लेकिन फिर वही क्या गवर्नमेंट, पर लॉकडाउन होने का ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है ना भैया जहाँ पे, हाँ इतना करना चाहिए जो लोगों को है ना कम से कम खाना खिलाओ, ₹5 का ₹10 का थाली से सबको खिला लाइन में, जो गरीब है लाइन में तो खाएगा, जो अमीर है जो खुद की इज्जत करता है, जैसे हम लोग भैया बाहर से है तो हम लोगों को मतलब खाने के लिए अभी देखना पड़ता है ना सब कुछ चीजें, तो हम लोगों को एटलीस्ट खाना मिलना चाहिए, जितना गरीब है उनको जिसको खाना नहीं बनाने आता है वो भी लाइन में खड़े रहेंगे, कम से कम खाना और पानी मिलेगा तो जिएंगे ना। हाँ बराबर, गवर्नमेंट इतना करना चाहिए, मैक्सिमम लोग क्या है वो बाहर से बेचारे आए हैं कमाने यहाँ पे, अभी लॉकडाउन होगा तो कंपनी या फिर जो भी होगा वो बंद हो जाएगा, बाहर का रहने दो यहाँ का रहने दो, जिसका जिसका तकलीफ हो रहा है जिसका पेट नहीं भर रहा है वो बाहर का अंदर का नहीं सोच रहा, सब आदमी इंसान है ना, नहीं बराबर, सबको है ना जिसको खाना नहीं मिला उसको खाना दे सकते, वो कहाँ का भी रहने दो, पुणे में रहता है ना बस। अभी
कैब से हम आ तो गए यहाँ पे, ये जो सोसाइटी है यहाँ से हमको सामान लेना है। सो लेट्स सी, अभी बिल्डिंग नंबर 13 की तरफ जाएंगे। भैया कौन सी साइड में बिल्डिंग 13? अच्छा, इज बेसिकली दिस इज़ आवर फ्लैट जहाँ से है सब कुछ सामान लेके जाना है यहाँ पे। अभी ये तो है, ये भी लेके जाने का साथ में, ये सारी इसमें बर्तन हमने फिक्स कर दिए और यहाँ तो सब सॉर्टेड है। और रही जगह ये बाथरूम की, तो ये ऐसे कैसे रहने देंगे। और ये जो सामान है यहाँ पे, ये जितना भी सामान है अभी ये पैक तो कर चुके हैं। लाइट लगा दी, हाँ वो तो निकाल लिया। चलो ये भी लेके देंगे, और ये गद्दे वद्दे भी बहुत सही है, तो ये सब चीज़ें लेके देंगे। और इसमें भी सब कुछ पैक कर दिया। सो यस गाइस, लेट्स गो, टायर्ड एज फक। अभी जाएंगे यहाँ से अभी वो आ रहा है, क्या बोलते उसको, मूवर्स एंड पैकर्स वाले, तो वो सब कुछ अभी उठा के लेके चले जाएंगे यहाँ से, और हम लोग उनके साथ में जाएंगे। मेन थिंग क्या है पता है क्या, साला इसमें से सांस नहीं लेते आती, साला ऐसा ही मर जाएगा रे इंसान। इसमें से बिल्कुल सांस नहीं लेते आती भाई, और पसीना पसीने, फैन लगा, फैन है ना, जाती जाती इलेक्ट्रिसिटी भाई। वैसे देखा जाए तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ से, तो अच्छी लग रही है वैसे सोसाइटी। और जो एरिया भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, समथिंग अराउंड 15,000 रुपीज़ रेंट है आई गेस, पता नहीं मुझे प्रॉपरली, बट ठीक है। यस गाइस, हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल ऑफ यू, सो एंजॉय योर टाइम और एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच भाई। मुझे ये मिरर बड़ा पसंद आया, ये मिरर का कुछ कर सकते हैं क्या? सुनना भाई, वो मिरर पसंद आया मुझे। हाँ सच्ची में निकाल, देख ले भाई, मेन बात ये पीछे ओनर है वहाँ पे, और ये साला ऐसा भाई उधर ओनर है, डेंजर है भाई, डेंजर है, निकाल लिया जाए। पानी आ रहा है भाई यहाँ पे 24 घंटा, छू मत करो ना भाई, टच कर रहा हूँ, समझ रहे हो बोलेंगे। फाइनली जो पैकिंग जो है वो हो चुकी है, और हमारा बंटी ऊपर बैठ गया। बंटी आ तो ध्यान रखियो पीछे, मैं भी आ जाऊँ क्या पीछे, जाता क्या दो बता ना, हाँ रुक जा, आ रहा दोनों बैठेंगे पीछे भाई, जो सुकून आ रहा है इसमें बैठने को भाई मजा आ गया यार, ये भी चाहिए था जिंदगी में। अब इसकी भी एक एक्सपीरियंस मिल गया उसका भाई, बहुत लेबर यूनियन जिंदाबाद भाई, पैसे चाहिए इस चीज के भाई, यार जो थके भाई खतरनाक थक गए यार, पसीना हो गए। सोसाइटी तो ओपी है भाई, वेदर भी बहुत सही हो गया, नाइस, ऊपर बारिश आने वाली है। अरे भाई यो नहीं तो बाहर होगा भाई, मैं ऐसे बैठने वाला हूँ, मैं तो ऐसे बैठूंगा मस्त देख के, खतरनाक सही में, ये जिंदगी चाहिए थी, यही जिंदगी चाहिए थी, और यही जिंदगी बची थी जीने के लिए। और जो है अभी बारिश आने वाली है, बहुत सही मौसम हो चुका है भाई, तू पीछे पकड़ के बैठ ले, वो गिर जाएगा, तू पकड़ ले, मैं तो मस्त पहले तू जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं तो ऐसे बैठने वाला हूँ, मैं तो भाई निकल सकता है भाई, कभी भी निकल गया ना मैं डायरेक्ट यहाँ से कूद जाऊंगा। सही है, क्या तुमने कभी सोचा था इंजीनियर लोग ऐसे हो सकते हैं? इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंजीनियर, तो जो है इंजीनियर कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। आज ये भी एक्सपीरियंस मिल गया भाई, खतरनाक है, ये भी एक्सपीरियंस चाहिए था जिंदगी में। चलो आज ये भी एक्सपीरियंस मिल गया, और मजा आ रही है। जितने भी लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सामान इधर से उधर करते हैं लाइक हमारे जैसे, तो उनको तो बड़ी मजा आती होगी, सजा भी आती, सजा थकेगी तेरी, ओ भाई।
जगह भी नहीं बोलते भाई देख ले हालात देख लो हालात मतलब अरे कुछ तो बोलते हैं लोकेशन क्या बोलते हैं बता लोकेशन ही बोलते डेस्टिनेशन हम हमारे ठिकाने पे पहुंच गए ठिकाना बोल सकते ना ठिकाना थोड़ी होता है भाई वो तो बाइंड टाइप पे हो गया ना नहीं उसको क्या बोलते हैं यार दास्ता दास्ता तो ये है रे हाँ हमारी ये दास्ता है मंजिल भी बोल सकते हैं ना मंजिल 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 बोलते मंजिल ओपी इन द चैट वही मंजिल बोलते सही है भाई अभी पहुंचते हुए आ गए हम लोग मुंह छुपा लो बंटी मुंह छुपा लो क्यों यहाँ पे कोई अगर देख लेगा तो मैं बिजनेस स्टार्ट एक आधा किसी दोस्त अगर मिल गया और उसने बोला भाई ये क्या कर रहा है मैं बिजनेस है भाई चलने दो चलने एक तो कोई पहचान का दिखे उसका हाय बोलूंगा मैं हम हमारे एरिया में आ गए हम यहाँ पे कोई अगर पहचान का मिला उसको हाय बोलेंगे जरूर वो मजा आएगा देखते हमारे डेस्टिनेशन पे तो आ गए अभी ये सब कुछ अनलोड करना है धीरे धीरे सामान तो चलो अनलोड करते पहले तो गाइस अभी हमने कोका कोला ले ली बिकॉज बहुत थक गए थे सारा सामान जो है वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है अभी जाएंगे ऊपर जाके मस्त खाएंगे पियेंगे और मस्त सो जाएंगे बिकॉज आज बहुत थक गए और काफ़ी सारी शिफ्टिंग हो गई और रवि भाई हमारे साथ मैं नीचे हमारे साथ तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय